हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य सिसोदिया। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको HTML आता है और CSS आता है, ये दोनों अगर आपको आते हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। ओके, HTML आप पढ़ चुके हैं, वीडियोस देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर। CSS आप पढ़ चुके हैं, ये भी वीडियोस देख सकते हैं, दोनों पर वीडियोस बनाए हैं, वहां आप इसको चेक कर सकते हैं। यहां हम सिर्फ पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। अगर आपको HTML आता है, CSS आता है, तो आप जावास्क्रिप्ट पर काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस के लिए यूज किया जाता है और मैनी डेस्कटॉप्स पर भी यूज किया जाता है और सर्वर प्रोग्राम्स पर भी यूज किया जाता है। जब बड़े बड़े जहां आप देखेंगे सर्वर साइड प्रोग्राम बनाएंगे आप, तो वहां जावास्क्रिप्ट का यूज होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट होती है क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ठीक है, लिखते हैं। तो ये बड़े जो आपने अभी नहीं आपको पता चलेगा, आप बिगिनर हैं तो आपको अभी नहीं जानकारी होगी डेटा बेसिस के बारे में। ये बड़े बड़े जो कुछ डेटा बेसिस हैं, जैसे MongoDB और कॉच डेटा बेस, वहां भी स्क्रिप्ट लिखकर बहुत कुछ काम किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद jQuery जब आप पढ़ेंगे या AngularJS पढ़ेंगे, तो जावास्क्रिप्ट का इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बेसिक है, इसको आपको पढ़िए, मेन यही है। ठीक है, आगे फिर आप jQuery पढ़ेंगे, AngularJS, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैं दिया है आपको, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ करते हैं। ये मैं आपको एक पहले बता देता हूं कि सबसे पहले जावास्क्रिप्ट अगर काम करना है तो आपको एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना होगा। सर्च कर लेते हैं Notepad। ये मैंने Notepad ओपन कर लिया है, मुझे HTML लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं कॉपी करूंगा क्योंकि HTML हमें पहले से आता है और हमें टाइम भी बचाना है। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं इसको अब सेव करने जा रहा हूँ फाइल पर। ठीक है, सेव एज कर लीजिए या सेव, फर्स्ट टाइम सेव अगर किया है तो सेकंड टाइम सेव एज यूज होता है, बट अभी चल जाएगा। चलिए मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करूँगा और आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। कोई भी फोल्डर बना रहे हैं तो उस फोल्डर में रख लीजिए, मैं इसको डेस्कटॉप पर रख रहा हूँ फिलहाल। इसका नाम दूंगा index.html। ठीक है, क्या दूंगा नाम इसका, .html, क्योंकि ये HTML डॉक्यूमेंट है, इसलिए नाम डॉक्यूमेंट HTML से डॉक्यूमेंट बनाएंगे। यहां आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप ये भी दे सकते हैं जावास्क्रिप्ट। ओके, बट लास्ट में .html लगाना ना भूलें। .html लगाएंगे तभी ये HTML डॉक्यूमेंट कहलाएगा ब्राउजर, वरना तभी ब्राउजर इसको समझेगा। चलिए हमारा देखते हैं कहां बना है, दिस इंडेक्स पेज, इसको डबल क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं ब्राउजर पर। तो गाइज, ये इस अभी तो हमारे पेज इस तरह दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई खास लिखा ही नहीं, ये नॉर्मल पेज है। मैं इसको एक स्पेस दे देता हूं जिससे आपको ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, ये बॉडी है, ये देखिए, अब आप ठीक से देख सकते हैं। ये मैंने अभी हेडिंग लिखी है, इसमें मैंने हेडिंग लिखा है सिर्फ कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। चलिए हमारा HTML डॉक्यूमेंट बन गया है, अब थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें एक मेथड होता है, इनबिल्ट मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, गेट एलिमेंट और बाय आईडी, मतलब कि आईडी के थ्रू हम एलिमेंट को सर्च करेंगे। और एलिमेंट आपको पता है, HTML में आपने पढ़े हैं एलिमेंट क्या होते हैं। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में बहुत मेथड्स होते हैं। ओके, उनमें से एक है गेट एलिमेंट बाय आईडी, आज हम इसी को देखेंगे। तो देखिए जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, ये HTML कंटेंट को चेंज कर सकता है जो आपने
वीडियो में देखा था एचटीएमएल में जो अब एलिमेंट बनाते थे उसमें बीच में कंटेंट लिखते थे, ठीक है, कंटेंट मतलब जो भी टेक्स्ट लिखते थे उसको हम कंटेंट बोल रहे हैं, वो चेंज कर सकती है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल एट्रीब्यूट वैल्यूज, एट्रीब्यूट वैल्यूज, एट्रीब्यूट आप कर चुके हैं जैसे क्लास आईडी, एसआरसी, एचआरईएफ, ओके, स्टाइल, ये सब एट्रीब्यूट है, ये चेंज इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं आप एचटीएमएल की। और जावास्क्रिप्ट से क्या कर सकते हैं आगे देखिए थर्ड नंबर पर, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल स्टाइल्स, हम सीएसएस भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट कैन हाइड एचटीएमएल एलिमेंट्स, हम जो एलिमेंट्स होते हैं एचटीएमएल के उनको हाइड कर सकते हैं, शो एलिमेंट्स, एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स हैं उनको शो कर सकते हैं अगर वो हाइड है। तो आपने देखा होगा जो फर्स्ट वाला है, हम ये फर्स्ट वाला करेंगे दिस वन, ये स्टेटमेंट है उसका इस तरह से, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, ये डेमो एक क्लास है, ये सॉरी आईडी है, तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करेगा, एचटीएमएल का जो एलिमेंट होगा वहां पर सर्च करेगा कि किस एलिमेंट की आईडी डेमो है, ओके। तो अभी हम ये करेंगे, ओके, ये एट्रीब्यूट जो चेंज करेंगे इसकी वैल्यू, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एच आर ई एफ एट्रीब्यूट होता है एंकर का, और थर्ड वाले का एग्जाम्पल हम स्टाइल को चेंज करेंगे दिस वन, सी एस एस चेंज होगा, और यहाँ आप हाइड करेंगे तो ये स्टाइल में एक सी एस एस होती है डिस्प्ले नॉन, डिस्प्ले नन, और एक डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। तो फिलहाल हम ये करने जा रहे हैं, फर्स्ट इसको जल्दी से देखते हैं, आइए प्रैक्टिकली एचटीएमएल डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम यहां एक, आपने पढ़ा होगा एचटीएमएल में एक टैग होता है, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग होता है, ये एक एचटीएमएल टैग होता है, ठीक है ना, एचटीएमएल में टैग होता है, ओके। तो टैग आपको पता है, अगर हम एक बार टैग को ओपन करेंगे, अगर टैग ओपन होगा, ठीक है ना, बिगिन होगा तो एंड भी होगा, टैग के बारे में आपको पता है। अब ये टैग क्या करता है, ये जो स्क्रिप्ट आप लिखेंगे जावास्क्रिप्ट की, उन टैग को आप इसमें लिखेंगे, ओके। तो ब्राउजर को तभी पता चलेगा कि यहां मुझे स्क्रिप्ट को रन कराना है, ओके। तो चलिए एक सिंपल सा हम एक टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट काम कर रही है या नहीं। ये एक अलर्ट बॉक्स होता है, मैसेज बॉक्स, अगर आप इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एक मैसेज की तरह एक बॉक्स, अलर्ट बॉक्स तो लाएगा हाय, यानी हमारी जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट काम कर रही है, ओके। अब हम शुरू करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं पी, एक एलिमेंट ले लेते हैं, उसमें आईडी एट्रीब्यूट ले लेते हैं, और उस आईडी एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू को हम टेस्ट ले लेते हैं, यानी ये इस पी की जो होगी ये टेस्ट जो होगा आईडी होगी, यानी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी आईडी की टेस्ट होगी, और इस टेस्ट को हम सर्च करेंगे जावास्क्रिप्ट में, पहले डॉक्यूमेंट में, ओके, पहले पता होना चाहिए हम कहां सर्च करेंगे, डॉक्यूमेंट में डॉट गेट क्या लिखेंगे हम, टेस्ट जो आईडी है, ओके, ठीक है ना, डॉट ये एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल क्या चेंज करेगा, वो कंटेंट चेंज करेगा इस एलिमेंट का, ओके। और यहां हम इसमें कंटेंट में डालने वाले हैं हाय, ओके, चलिए चलिए पहले मैं एक आपको एक चीज बता देता हूं, इसमें इसको मैं फिलहाल तो आपको दिखाता हूं कुछ, कि अगर मैं इसमें लिखता हूं हाय,
इसको ब्लैंक कर देते हैं, इसमें अभी कुछ नहीं है, हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे बट जावा स्क्रिप्ट की सहायता से। ओके ये मैंने इसमें एक मेथड लगाया गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट मतलब के जो डॉक्यूमेंट है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट्स में क्या सर्च करेगा वो, है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी सर्च कर फाइंड करेगा, क्या फाइंड करेगा, आईडी को, टेस्ट आईडी को, कहां पर वो यहां से जाएगा ढूंढता हुआ, जब एचटीएमएल लोड होगा तो वो इसको फाइंड करेगा। ओके दिस वन दिस इज आईडी, जैसे इसको आईडी को फाइंड करेगा डॉट इनर एचटीएमएल, ये स्क्रिप्ट में क्या होता है जावास्क्रिप्ट में इनर एचटीएमएल क्या काम करता है, टेक्स्ट को चेंज करता है। तो यहां टेक्स्ट इसका जो टेक्स्ट होगा अंदर दिस इज कंटेंट, ओके ये कंटेंट, इस कंटेंट को चेंज करेगा, ये कंटेंट उसमें यहां डाल देगा उसमें, ओके ये कंटेंट उसको टाइप करेगा। चलिए आगे चला लेते हैं इसको, यस हाय अजय सिसोदिया, आप देख सकते हैं ये देखिए अजय सिसोदिया। एक बार मैं इसको हटा देता हूं, कमेंट कर देता हूं, ठीक है। ये कमेंट जब आपको स्क्रिप्ट को कमेंट करना होता है, स्क्रिप्ट को कमेंट, तो ये कमेंट के लिए होता है, ठीक है ना, किसके लिए होता है, कमेंट, ये होता है कमेंट के लिए। ओके तो जावा स्क्रिप्ट में जब किसी को कमेंट करना होता है तो ऐसे करते हैं, मैं इसको कमेंट को खोल देता हूं, ओके क्लिक करता हूं दिस इज, तो ये जो टेक्स्ट है ये जो कंटेंट है, ओके कंटेंट कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। ओके अब देखिए मैं यहां डाल देता हूं, हेलो यूट्यूबर्स, इस समय यहां हेलो यूट्यूबर्स लिखा है, अब देखते हैं इसको क्या दिखाएगा, इसने तो यही टेक्स्ट दिखाया। अभी क्या हुआ दोस्तों, अभी जो टेक्स्ट है उसका पी का पैराग्राफ का उसमें हेलो यूट्यूबर्स है, तो जैसे ही आपने ब्राउजर पर इसको रन किया, स्क्रिप्ट रन होती है, उसने ठीक उसी टाइम उसका चेंज करके अजय सिसोदिया यानी ये वाला टेक्स्ट वहां डाल दिया। इसको कैसे चेक करेंगे, आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अलर्ट बॉक्स में लिखेंगे हाय, कुछ भी लिख दीजिए एक्स वाई जेड, ओके मैं स्क्रिप्ट चलाता हूं। अब देखिए यहां जो हमने टेक्स्ट अलर्ट में दिया है और अभी यहां पर हेलो यूट्यूबर्स है, ठीक है, और अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा नेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा आइए समझते हैं। देखिए पहले स्क्रिप्ट पहले एचटीएमएल यहां से लोड होगा, डॉक्यूमेंट लोड होगा, ठीक है ये लोड होगा, ओके आईडी वगैरह उसमें आ जाएगी, उसके बाद स्क्रिप्ट चलेगा, स्क्रिप्ट में अलर्ट आएगा, और जब तक पहले अलर्ट आएगा तो अभी तक उसने ये फाइंड नहीं किया है, अभी अलर्ट चला है, जब अलर्ट आएगा तो ये कंटेंट शो होगा। ओके जैसी वो यहां से स्क्रिप्ट रन होने के बाद वो यहां रन होगी तब वो इसको फाइंड करेगा और ये यहां इसकी जगह कंटेंट को चेंज करेगा। ओके चलिए आइए देखते हैं, चलिए एक चीज और देख लेते हैं इसमें एक मजेदार, मैं इस स्क्रिप्ट को हेड में डालूंगा, मैंने सुना है कि हेड में इसको यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हेलो यूट्यूबर्स, यानी लगता है कि इसने रन नहीं हुआ, चलिए देखते हैं फिर से अलर्ट लगा लेते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है देखिए अभी पता चल जाएगा, मैं मैसेज भेज देता हूं, अब देखते हैं स्क्रिप्ट हमारी काम कर रही है नहीं कर रही है। यस स्क्रिप्ट हमारी काम कर रही है, हुआ क्या था ये देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लोड होता है, ठीक है, एचटीएमएल जब लोड हुआ तो ठीक यहां पर हेड के अंदर उसने ये भी ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है टाइटल को, फिर वो स्क्रिप्ट पर आता है तो उसको ये मिलता है अलर्ट, उसने अलर्ट को मैसेज जो है शो कर दिया है,
उसके बाद फिर यहां आएगा, वो ढूंढेगा इस टेस्ट को, लेकिन उसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट पहले लोड हो चुकी है और HTML अब इतना पार्ट जो है वो बाद में लोड होगा, तो वो आप ये रॉन्ग हो जाएगा। ये यहाँ ढूंढ रहा है, इसको अभी तक हमारे पास HTML पूरा लोड हुआ ही नहीं है, तो इसको कहाँ से मिलेगा? ठीक है, जबकि ID बाद में लोड हो रही है HTML में। ओके ओके, चलिए अब इसको एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं, देखते हैं ये HTML के टैग के ठीक बाद ये काम करेगा या नहीं करेगी स्क्रिप्ट। आइए चेक करते हैं, चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। यस, ठीक उसी तरह से सब क्यों हुआ, यह भी काम करेगी। क्यों? सबसे पहले डॉक्यूमेंट लोड होगा, डॉक्यूमेंट जो लोड होगा वो आपका यहां से ये लोड होता जाएगा। ठीक है, ये HTML लोड हो जाएगा, उसके बाद स्क्रिप्ट रन होगी और स्क्रिप्ट में यहां उसको ये टेस्ट जो ID है वो HTML में इस एलिमेंट की ID उसको फाइंड कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि स्क्रिप्ट आप उसको बोला जा रहा है, इनर HTML बताता है कि ये इस वाली आईडी का जो HTML उसको चेंज करना है, यानी कंटेंट जो लिखा है और उसको क्या चेंज करना है, वैल्यू उसकी ये है, ये चेंज करना है, तो वो यहां जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों आज के इसमें, इतने रखते वरना माइंड घूम जाएगा। तो ये रहा है जावास्क्रिप्ट का, आज आपने पढ़ लिया है कि एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, यानी कि गेट एलिमेंट बाय आईडी कैसे काम करता है मेथड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग में आपका सबसे पहले ये तो आने ही चाहिए, बाकी तो बहुत सारे हैं, ये नहीं पता होगा तो फिर कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस करिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा, और तब तक लिए नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं आगे, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और दोस्तों हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।